जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है जी व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है एक बहुत ही जो है ज़बरदस्त ही होम रेमेडी जो है लेकर आई हूँ। और ये वाली जो है टिप्स, ये वाली आप इसको टिप्स कह सकते हैं, टोटका कह सकते हैं, इससे आप लोग की स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ग्लो करेगी और आप लोग की स्किन के ऊपर जितनी जो है डस्ट वगैरह होती है और धूल मिट्टी वगैरह जो आ जाती है वो सारी आप लोग अगर ये वाली अपने फेस पे अप्लाई करेंगे रेमेडी, तो उससे आपका फेस जो है साफ सुथरा हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा और जिसे कहते हैं कोरियन फेस आप लोगों का बिल्कुल वैसा हो जाएगा। और ये आप जो है वीक में एक दफ़ा जो है यूज़ जो है कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप लोग जब इसको यूज़ करते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे, तो आप लोग जो है ख़ुद देखेंगे कि आप लोगों की स्किन कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गई है। और जिन लोगों की स्किन जो है ड्राई हो जाती है और डस्ट वगैरह हो जाती है, ऐसी लगती है जैसे डल सी है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट जो है रेमेडी है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि हमने पहले लिए थे राइस, फिर उनको हमने अच्छी तरह वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने लेने थे हाफ़ कप राइस। फिर उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि हमको वो अब हम इस राइस को जो है कर रहे हैं बॉइल वाटर में ऐड करके। और जब ये हमारे अच्छे से जो है बॉयल हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हमने इसको जो है डाल देना है ग्राइंडर में। फिर हमने उसके बाद हमने इसके अंदर और चीज़ें भी डालनी है, लेकिन जब तक आप लोग जो है मेरे जो है साथ रहे, इस वीडियो को फुल देखें। A few moments later. जी व्यूवर्स, ये देखिए आप लोग जो है देख सकते हैं कि ये लेके हम अपने राइस को जो हमने अच्छी तरह जो है बॉईल किया था, अब उसके अंदर हमारे वाटर जो था वो सारा जो है ड्राई हो गया वाटर। और उसके बाद ये देखिए अब हम इसको डालने लगे हैं। A few moments later. जी व्यूवर्स, ये देखिए अब ये देखिए जो हमने अपने राइस जो है बॉईल किए थे उसको अब हम लोग डालने लगे हैं ग्राइंडर में। और ग्राइंडर में हमने इसको करना है अच्छी तरह ब्लेंड। और इसके अंदर हमने ऐड करना है मिल्क और ऐड करना है हनी, क्योंकि ये जो है दोनों चीज़ें ये बहुत ज़्यादा स्किन के लिए बेस्ट है और इससे आप लोग की स्किन पे बहुत ज़्यादा जो है शाइनिंग आएगी, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ग्लो करेगी और नीट एंड जो है क्लीन हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए बॉयल किए हुए राइस हम लोगों ने ऐड कर देनी है ग्राइंडर में मिक्सचर में। और अब हम लोग इसमें डालने लगे हैं दूध की जो होती है बलाई। आपको पता है कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी होती है स्किन के लिए, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहती है बलाई और स्मूथी हो जाती है। और आजकल जो ये मौसम शुरू हो चुका है इससे हमारी स्किन जो ड्राई रहती है। और अब हमने ऐड करना है मिल्क थोड़ा सा। राइस आप लोगों ने लिए थे हाफ कप, बॉयल करने से भी जो है थोड़े से जो है ज़्यादा हो जाते हैं ना। तो ये देखिए अब हमने ये इसको मिक्सर को करने लगे हैं ग्राइंड। A few moments later. जी व्यूवर्स, ये देखिए जो हमने अपना क्या कहते हैं मिक्सचर जो है तैयार किया था वो अब हमारा हो गया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए इसकी कितनी खूबसूरत जो है शेप आई है, क्रीमी जैसी शेप। अब आप लोगों को जो है इसको आराम से जो है दिखाते हैं निकाल के, फिर उसके बाद में आप लोगों को इसका जो है रिज़ल्ट भी जो है दिखाऊँगी। जी व्यूवर्स, ये देखिए आप लोग जो देख सकते हैं कि ये देखिए कितनी क्या कहते हैं खूबसूरत जो है क्रीमी शेप्स का हमारा जो है होम जो है रेमेडी बनी है। कि ये देखिए मैं आप लोगों को देखो दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट और कितनी जो है मुलायम और चिकनी सी यानी कि हमारा जो है मिक्सर बना है, बिल्कुल जैसे लग रहा है कि जैसे जो है क्रीम टाइप होती है। अभी इसको आपने जो है फेस पे अप्लाई करना है और आपने 15 जो है मिनट्स के बाद अपना फेस आपने जो है वॉश कर लेना है। और ये आपने वीक में जो है 2-3 दिन जो है छोड़ के यूज़ करनी है।